फ्रेंड्स, वेलकम टू यशा की रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान का फेमस दूध में बनने वाले बाजरे के खीच की रेसिपी। ये अक्षय तृतीया पर स्पेशली राजस्थान में बनाया जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बाजरे का मीठा खीच बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाजरे को कूटना होता है। ये बाजरा हम इस तरह के हमाम दस्ते में डालकर इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी छिड़क कर इसे कूट लेंगे ताकि इसके ऊपर का छिलका हट जाए। आप देख सकते हैं इसको कूटने के बाद ये इस तरह का हो जाता है। इस वाले बाजरे में और इस बाजरे में फ़र्क है, इसका दाना फूल जाता है और इस तरह का बाजरा हमें खीच बनाने के लिए चाहिए। तो अब इस खीच वाले बाजरे को हम यहाँ पर मैंने आधा कप बाजरा लिया है। इस बाजरे को हम कुकर के अंदर डाल देंगे और इसका 5 गुना हम पानी डालेंगे, यानी कि आधा कप के हिसाब से हम इसके अंदर 5 कप पानी डाल देंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लें और उस कटोरी के मेज़रमेंट से जितना आपने बाजरा लिया है उसका 5 गुना आप पानी डाल दें। इसके बाद कुकर को हम बंद कर देंगे और इसे गैस पर चढ़ा देंगे और 5 सीटी हम इसकी लगाएंगे। 5 सीटी लगाने के बाद कुकर को हम ठंडा होने देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं जो बाजरे का दाना है वो अच्छे से पक चुका है, पर इसे अभी हमें आगे और दूध में पकाना है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध को पहले ही कढ़ाई में बॉईल होने के लिए रख दिया है। इस बाजरे को हम इसके अंदर डाल देंगे। आप डायरेक्ट अगर दूध में इसे पकाएंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बाजरे को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से पहले आप पानी में थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लें, इसके बाद 1 लीटर दूध में इसे हम पकाएंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। इसे पकाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप कोई हैवी बॉटम वाली कढ़ाई या हांडी का ही यूज़ करें ताकि जो दूध है वो तले में जाकर लगे नहीं। साइड साइड में जो मलाई आती रहेगी उसे हम इसके अंदर मिक्स करते रहेंगे और इसे आधे घंटे तक हम इसी तरह से पकाएंगे। आधे घंटे तक तो मिनिमम हमें इसे पकाना ही है। हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है, लगातार इसे चलाते नहीं रहना है। इसके साइड में जो मलाई आएगी उसे भी हम इसके अंदर मिक्स करते रहेंगे। इसे बहुत ज़्यादा भी हमें गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। जब दूध लगभग 50% तक रह जाएगा इसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। इससे पहले आप चीनी नहीं डालें, नहीं तो जो बाजरे का दाना है वो पकेगा नहीं। अब बाजरा अच्छे से पक चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी भी हमें उतनी ही डालनी है जितना कि हम बाजरा लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, पर ये एकदम एक्यूरेट मेज़रमेंट है। इससे न ये ज़्यादा मीठा बनता है न ही ज़्यादा फीका होता है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ी सी और डाल सकते हैं चीनी। अब चीनी अच्छे से घुल चुकी है, इसको पकाते हुए भी हमें 10 मिनट हो चुके हैं और इसका दाना भी बहुत अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून काजू का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से हम किशमिश डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के डाल सकते हैं। थोड़े से पिस्ता की कतरन डालेंगे, थोड़ी सी हम इसके अंदर बादाम की कतरन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इन्हें पका लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पकाने के बाद लीजिए, हमारा बाजरे का रबड़ीदार खीच बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है इस यूनिक से बाजरे की खीच की रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग यशा की रसोई। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।